नवंबर माह के अंत या दिसंबर माह के मध्य तक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी प्रदेश को मिल जाएगी। यही नहीं, स्पोर्ट्स नीति की घोषणा भी धर्मशाला में की जाएगी। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर खेल मंत्री राकेश पठानिया ने पहल करते हुए विभिन्न स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राकेश पठानिया ने बैठक उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर प्रदेश स्तरीय अहम बैठक मिनी सचिवालय में आयोजित की गई है। उम्मीद है नई खेल नीति को इसी माह के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा और सीएम से चर्चा करके इसकी घोषणा भी धर्मशाला में की जाएगी। हो सकता है कि 10-15 दिन ज्यादा लग जाएं, ऐसे में नवंबर के अंत या दिसंबर माह के मध्य में प्रदेश को नई खेल नीति मिल जाएगी। हर एसोसिएशन का खाका तैयार किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में कई स्टेडियम हैं जो खाली पड़े हैं। कई स्टेडियम यूज नहीं हो रहे और नए स्टेडियम भी बन रहे हैं। हर एसोसिएशन को संबंधित क्षेत्र के स्टेडियम के साथ जोड़कर एक अकेडमी तैयार करने का जिम्मा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से टॉप के 20-25 बच्चों को टैलेंट सर्च के अभियान से निकाला जाएगा। धर्मशाला, ऊना, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, चंबा और नूरपुर व हमीरपुर भी अच्छे सेंटर्स बनेंगे, जिनका खाका बनना शुरू हो गया है। देखिए, आज हमारी बड़ी विस्तार से चर्चा सारा दिन हुई है अलग अलग फेडरेशंस और एसोसिएशंस के साथ, और इसमें बड़ा डिटेल में बड़ा महत्वपूर्ण आज संवाद हुआ है। हमने सब एसोसिएशंस को चार ग्रुप्स में डिवाइड किया था और चारों ग्रुप्स ने अलग अलग जाकर अपने अलग अलग कमरों में बैठ के अपने फाइन पॉइंट्स हमें लिखकर दिए हैं, जिनके ऊपर हम ये आज विवाद शुरू हुआ है। आज ये डिस्कशन हमारी शुरू हुई है। इसके बाद हम अगले 10 दिन के अंदर इनके साथ वर्चुअली इनकी पूरी एसोसिएशन के साथ बैठने वाले हैं। वर्चुअल बैठक के माध्यम से ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इनको हम अलग अलग डेट्स आज कैलेंडर इशू कर रहे हैं, जिन डेट्स के माध्यम से एक एक एसोसिएशन के 15 से 25 लोग हमारे साथ जो है वर्चुअली जुड़ेंगे। फिर 10 से लेकर 12 नवंबर तक जो है मैं इनकी कोई 8-10 एसोसिएशन साथ शिमला में और सोलन में और रोड़ू में बैठने वाला हूँ। फिर उसके बाद कुछ एसोसिएशन साथ हम हमीरपुर में बैठने वाले हैं, कुछ एसोसिएशन के साथ हम ऊना में बैठने वाले हैं और कुछ एसोसिएशन के साथ हम मंडी में और धर्मशाला में बैठने वाले हैं और वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के साथ नूरपुर में बैठने वाले हैं। इस तरीके से हमने पूरा कैलेंडर अगले 15 दिन का तैयार किया है, जिसके माध्यम से अलग अलग एसोसिएशन के साथ हम अलग अलग स्थान पर बैठ के और विस्तार से जो है डिस्कशन करेंगे। आज हमारे अर्जुना अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, खेल रत्न, पद्मश्री, अपना अर्जुना अवार्डी, जो ऐसे लोग थे हिमाचल प्रदेश के, वो यहाँ पे आज मौजूद थे। बहुत सीनियर कोचेस, बहुत सीनियर एथलीट्स, बहुत सीनियर प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स के रीढ़ की हड्डी हैं हिमाचल प्रदेश की, ऐसे सब लोग आज यहाँ पे मौजूद थे। इनके साथ हमने प्रिमिनरली डिस्कशंस आज कर ली हैं और इसके बाद हमने वर्चुअल रैलीज का जो है इनके साथ जो है पूरा प्रोग्राम तय कर लिया है, और वर्चुअल रैली के बाद हम इनका एक एक फेडरेशन के साथ अलग से जो है इसी महीने बैठ के, मैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे एक एक फेडरेशन के साथ बैठ के अलग अलग स्थानों पे, जैसे मैंने आपको जगहें बताई हैं, ये अलग अलग जगहें हमने चयनित कर ली हैं जिनके साथ हम अलग अलग जगह पे बैठेंगे। इसके बाद एक पूरा खाका तैयार होगा इनका, पूरा हर फेडरेशन का पूरा एक कैलेंडर तैयार होगा। हमारे कई स्टेडियम्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं, कई स्टेडियम्स हैं जिनको यूज नहीं किया जा रहा और कई नए स्टेडियम्स बन रहे हैं। सब फेडरेशन को साथ एक एक स्टेडियम जोड़ के उनकी एकेडमी को वहां तैयार करने का, टॉप के कुछ 20-25-30 बच्चों को निकालकर प्रदेश के अंदर से टैलेंट सर्च के माध्यम से उनको आगे व्यवस्थित रूप से तैयार करने का। धर्मशाला एक अच्छा सेंटर बनेगा, ऊना एक अच्छा सेंटर बनेगा, बिलासपुर एक अच्छा सेंटर बनेगा, शिमला एक अच्छा सेंटर बनेगा, सोलन एक अच्छा सेंटर बनेगा, सिरमौर एक अच्छा सेंटर बनेगा, चंबा एक अच्छा सेंटर बनेगा, नूरपुर एक अच्छा सेंटर बनेगा, ये अलग अलग स्थान पर, हमीरपुर एक अच्छा सेंटर बनेगा। ये अलग अलग स्थान को अलग अलग फेडरेशन के साथ विकसित किया जाएगा। इनका पूरा खाका तैयार आज होना शुरू हो गया। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक बैठक थी और जो लोग आज इसमें आए थे वो खुद इस बात को अनुभव करके गए कि आज से पहले किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया, आज से पहले ऐसी पहल नहीं हुई है इस तरीके से पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करने की। और आज पूरा विभाग हमारा यहाँ पे, हमारे सचिव महोदय भी यहाँ पे, प्रधान सचिव भी हमारे यहाँ पे मौजूद थे, हमारे डिप्टी डायरेक्टर सारे यहाँ पे मौजूद थे और सारा का सारा विभाग आज यहाँ पे हमारे बीच में था। और हमने आज एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कामयाब बैठक आज हमारी हुई है और मैंने जो हुआ उसमें डिसाइड हुआ मैंने आपसे शेयर किया है। और ये बैठक का सिलसिला ये पूरा नवंबर माह में चलेगा। एंड ऑफ नवंबर तक हम कोशिश करेंगे इस स्पोर्ट्स पॉलिसी को फाइनलाइज करने की। उसकी विधिवत घोषणा धर्मशाला से ही होगी।
उम्मीद है नवंबर के एंड तक हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगे तो 8-10-15 दिन और लग जाएंगे, जैसे भी नवंबर के एंड में या दिसंबर के मिडिल में हम जो है नई खेल नीति आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कस करके धर्मशाला से घोषित करेंगे। सर कुछ उसका एक पार्ट है जी, जो आप पूछ रहे हैं वो भी इसका पार्ट है। ये सब अब डिलीबरेशन स्टेज पर है, ये सब कुछ जो आप बात आपने पूछी है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है इस पॉलिसी का। और जो फेडरेशन जो आई थी, एसोसिएशन आई थी, प्रैक्टिकली ये लोग ही जो है गेम की टीम की सिलेक्शन करते हैं, ये लोग ही खिलाड़ियों का चयन करते हैं और इनके माध्यम से ही खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाते हैं। क्योंकि हमारी पूरी ओलंपिक फेडरेशन का आज बैठक थी, स्पोर्ट्स काउंसिल को भी इसके बीच में डाला गया, एक दो बैठकें, तीन बैठकें अभी और होने वाली है। धर्मशाला की बैठक से ये पहल आज शुरू होगी, अगली अगली बैठक शिमला में, रोडू में, सोलन में, हमीरपुर में, बिलासपुर में, ऊना में और नूरपुर में और धर्मशाला में, हमीरपुर में, ये इनकी तिथि तय हो गई है। ये तिथि जैसे जैसे हम आगे करते रहेंगे, साथ में वर्चुअल बैठकें और साथ में प्रैक्टिकल बैठकें, ये सिलसिला आज से शुरू होगी। राजकुमार नीटो अध्यक्ष कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने कहा कि खेल मंत्री राकेश पठानिया ने नई स्पोर्ट्स नीति को लेकर पहल की है और बहुत जल्द इसके अच्छे परिणाम प्रदेश में सामने आएंगे। नई खेल नीति को जो अमृत जामा पहनाने के प्रयास हो रहे हैं, इसके सार्थक परिणाम आएंगे। मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगा बड़े भाई हमारे राकेश पठानिया जी का, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने बहुत अच्छी आज पहल की और जिन मुद्दों को लेकर आज एसोसिएशन के बीच ये स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर इन्होंने चर्चा की, और मुझे लगता है बहुत जल्दी पूरे हिमाचल में इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह आज अपना प्रेजेंटेशन दिया स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेके, जो इनकी सोच और जिस तरह इन्होंने एक इस पॉलिसी को अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, मुझे लगता है ये भविष्य में बहुत अच्छी जो है ये पॉलिसी होगी। राजेंद्र शर्मा हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि खेल मंत्री ने अच्छी पहल की है, जो भी पॉलिसी बनेगी वो सभी खेलों के अनुरूप बनेगी। बैठक में खेल मंत्री ने एसोसिएशनों को आश्वस्त किया है कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मदद होगी उपलब्ध करवाई जाएगी। आज का जो ये संवाद हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है कि एक स्वयं स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो हमारे प्रदेश में खेल मंत्री हैं और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है स्पोर्ट्स पॉलिसी का, ये इस सभी खेलों के अनुरूप बनेगा। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए थे, बड़े विशिष्ट लोग थे जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बहुत उम्दा स्थान हासिल किया है, तो उन सब के सुझाव लिए गए हैं और माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी ने हम सबको एश्योर किया है कि प्रदेश में खेलों के स्तर को सुधारा जाएगा और साथ में साथ जो भी एसोसिएशन हैं उनको भी जिस प्रकार की मदद वो चाहते हैं उनको वो मदद दी जाएगी।